अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर के एक बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील होगी, इसलिए एक बजे तक की अपडेट्स मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। देखिए, पिछले 48 घंटों में हुकूमत ने जो तैयारियाँ की थी, यानी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, मुल्क के बड़े शहर मुकम्मल तौर पर बंद हैं, अहम शाहराओं को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, कंटेनर्स पकड़े जा रहे हैं, पुलिस, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी तादाद में इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं, यानी एक कर्फ्यू जैसा माहौल पूरे मुल्क में हो चुका है। तमाम तर ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है, यानी एक तरह से मुल्क में पिछले 24 घंटों में बाकायदा एमरजेंसी नाफिज की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एहतजाज पीटीआई का शुरू होने से पहले ही पीटीआई और इमरान खान ने हुकूमत की इन तमाम तर तैयारियों को खाक में मिला दिया है, वो प्लान लॉन्च कर दिया गया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, इस खबर की मुकम्मल तफसील बताने से पहले इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ कहाँ कंटेनर्स तैनात हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीटीआई का मार्च किन किन शहरों से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ है, इसकी तफसीलात बता देता हूँ। देखें, इस्लामाबाद जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब ही बंद कर दिया गया था, यानी एहतजाज आज शुरू होना था 24 नवंबर को, लेकिन पिछले 48 घंटों से इस्लामाबाद मुकम्मल बंद है। इस्लामाबाद का पाकिस्तान के दीगर शहरों से राबता मुकम्मल मुनक़ते है। 72 कंटेनर सिर्फ इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं। 22,000 पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार सिर्फ इस्लामाबाद में डिप्यूट किए गए हैं, यानी इस्लामाबाद में मुकम्मल एक कर्फ्यू है। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले, निकलने वाले तमाम रस्तों को सील किया गया है। कई ऐसे भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं जहां पर बाकायदा खंदकें खोदी गई हैं ताकि पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। जो सबसे पहली रुकावट पीटीआई को मिलेगी, खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला पीटीआई का आएगा उसको अटक पुल पर मिलेगी, जहां पर तकरीबन 50 से ज़्यादा कंटेनर्स लगाए गए हैं। तकरीबन 7,000 पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार अटक पुल पर मौजूद हैं, जहां खंदकें खोदी गई हैं, यानी मोटरवे को तबाह किया गया है कि किसी तरह पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले का रास्ता रोका जा सके। तीन अतराफ से ये मार्च पीटीआई ने शुरू किया है, यानी पंजाब से एक काफिला निकला है, दूसरा काफिला बलूचिस्तान से और तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से। अब खबर यह है कि पिछले 48 घंटों में हुकूमत ने जो तैयारियां की थी, आपको पता है, तमाम कंटेनर्स को पकड़ा लगाया और पूरे बड़े बड़े शहर अहम और उनकी अहम शाहराएँ बंद कर दी गईं। लाहौर रिंग रोड बंद है, पिशावर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे बंद है, यानी अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो कोई भी कौमी शाहरा आपको इस्लामाबाद नहीं पहुँचा सकती, यानी पूरा मुल्क इस टाइम हुकूमत ने जैम कर दिया है। अब ख्याल ये किया जा रहा था कि पीटीआई का नया प्लान क्या होगा, हुकूमत की तैयारियां देखते हुए पीटीआई क्या प्लान लॉन्च करेगी। आपको याद होगा, मैंने पिछले कई दिनों से बात की कि पीटीआई का ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जो प्लानिंग खान ने अडयाला जेल में बैठ कर की, वो हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं। पीटीआई और खान ने जो प्लानिंग की, वो माजी की हुकूमती हिकमत अमलियों को देख कर की, यानी 5 अक्टूबर को जो पीटीआई ने चढ़ाई की, इस्लामाबाद मार्च किया, उसमें कमोबेश यही सूरत हाल थी, यही रुकावटें थी। उस टाइम भी पीटीआई के कारकुनों को यही फेस करना पड़ा। तो इमरान खान ने बिल्कुल नई स्ट्रेटजी पीटीआई को बताई, ख़ास तौर पर वो काफिले जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, उनको पीटीआई ने नई हिकमत अमली दी कि इस तरीके से इस्लामाबाद में दाखिल होना है। वो नई हिकमत अमली क्या है, बज़ाहिर इस वक्त पूरा मुल्क बंद है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुल्क आखिर कितने दिन बंद रह सकता है, क्या हुकूमत के ये कंट्रोल में है, क्या हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है कि अगले 4-5 दिन मुल्क बंद रहे, क्योंकि पीटीआई तो फाइनल कॉल दे के आ रही है। पीटीआई के लिए ये एहतजाज तो डू एंड डाई है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पीटीआई का ये एहतजाज अगर कामयाब नहीं होता और किसी स्टेज पर पीटीआई या अली अमीन गंडापुर पीछे हट जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर पीटीआई पर जो सख्तियां होंगी, फिर पीटीआई भूल जाए कि उनको कोई रिलीफ हुकूमत या रियासत की जानिब से मिलेगा। अब प्लान ये था कि हुकूमत ने तो तमाम तर चीज़ें बंद कर दी, तो पीटीआई क्या करेगी। पीटीआई ने, ख़ास तौर पर इमरान खान ने, वो प्लान लॉन्च कर दिया जिसने बाकायदा दौड़ें लगा दी, और वो प्लान ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला
जो है जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। गो के खान ने इस दफ़ा ये टास्क दिया कि जो पंजाब से काफिला आए वो भी खैबर पख्तूनख्वा की तादाद जितना होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब प्लान ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला इंतहाई सुस्त रवि से आएगा। ये इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला आज अटक पुल तक ही ना पहुँच सके, क्योंकि हुकूमत के इतने दिन शहर इकतदार को बंद रखना बस में नहीं है। हुकूमत कितने दिन बंद करेगी? इस टाइम पूरा निज़ाम मफलूज है। इस टाइम दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ये खबर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का वफाकी दारकूमत बाकी तमाम तर शहरों से रबता मुनक़ते कर चुका है, यानी यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। और याद रखिएगा आज 24 नवंबर है, 2 दिन बाद बेलारूस का सदर वफाकी दारकूमत में आ रहा है, यानी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट दौरा पाकिस्तान का होने जा रहा है। फिर सऊदी नायब वजीर दाखिला इस्लामाबाद मौजूद हैं, फिर चाइना के भी कुछ आला हुकाम पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो हुकूमत का ख्याल था कि आज इतवार का दिन है, सब बंद हो जाएगा, पीटीआई के लोग आएंगे, अटक पुल पर मजामत होगी, लड़ाई होगी, गंडापुर शायद यहीं से वापस रवाना हो जाए, कुछ पीटीआई के लोगों को मारा जाएगा, कारकुनान तितर बितर हो जाएंगी और कल से चीज़ें रूटीन पर आ जाएंगी। तो इस दफ़ा ऐसा होना नहीं, इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफ़ा खान ने तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं, गंडापुर के हाथ में नहीं है। इस वजह से खान ने ये प्लान दिया था पीटीआई के लोगों को कि अगर इस तरह हुकूमत ने या रियासत ने रुकावटें खड़ी की, अगर इस तरह मुजामत का सामना करना पड़ा तो पीटीआई और पंजाब से आने वाला मार्च इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहे, यानी स्लो स्लो चलें हत्ता कि कल का दिन गुजार दें और हुकूमत इतना प्रेशराइज हो कि हुकूमत को खुद रास्ते खोलने पड़े। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत ज़्यादा देर तक इस तरह वफाकी दारकूमत को बंद नहीं कर सकती। दूसरा प्लान पीटीआई ने यह भी बनाया कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा और जिस जगह पर मजाहमत का सामना करना पड़े, क्योंकि पहली रुकावट खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले को अटक पुल की है, वो अटक पुल जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है वहाँ पर मजाहमत का सामना है। तो पीटीआई ने प्लान किया है कि जिस तरह पर जिस जगह पर पहली मजाहमत का सामना करना पड़े उसी जगह पर एहतजाज कर दिया जाए, यानी उसी जगह पर पीटीआई बैठ जाएगी। अब एक लम्हे के लिए मान लें केपीके से आने वाले काफिले को मजामत का सामना करना पड़ता है अटक पुल पे और वहां पे पीटीआई धरना दे देती है, तो इसका मतलब यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मोटरवे मुकम्मल बंद हो जाएगी, यानी वो तमाम रास्ते जो इस्लामाबाद को जाते हैं टेक्निकली वो सारे बंद होंगे। इस्लामाबाद में कंटेनर नहीं हट सकेंगे क्योंकि ये मार्च खाली खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आ रहा, 3 अतराफ से आ रहा है। फिर अगर पंजाब से आने वाले काफिले को रोकना है तो इसका मतलब है कि आपने जेलम यान मुमकिन है उससे आगे आपको कंटेनर्स लगाकर रास्ता रोकना पड़े, और अगर वहाँ पर भी रास्ता रोका जाता है तो पंजाब से आने वाला काफिला उसी जगह रुक जाएगा जहाँ पर उसको पहली मुजामत का सामना करना पड़ेगा। तो पीटीआई ये प्लान बना चुकी है कि पहले लड़ा नहीं जाएगा, अगर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे रास्ता रोकते हैं तो बड़े आराम से पीटीआई के लोग उधर बैठ जाएं और जैसे ही हुकूमत रास्ता खोलेगी, क्योंकि ये कंटेनर्स तो हुकूमत को हटाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगले 2-3 दिन तक ये कौमी शाहराएं बंद रहें, ऐसा नहीं हो सकता कि वफाकी दारकूमत अगले 2-3 दिन तक ये बंद रखे। तो प्लान ये बनाया पीटीआई की जानिब से और जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपने कारकुनान को हिदायत दी कि आप खाने पीने का सामान साथ लाएं, जो ज़रूरी अशियाँ हैं यानी चादर ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह, क्योंकि जाहिर है सर्दी भी है और आपको जहाँ पर बैठने का कहा जाए वहाँ बैठ जाएँ। अगले 2-3-4 दिन जो है जहाँ पर पहली मुजामत का सामना करना पड़ेगा उधर पीटीआई बैठ जाए, क्योंकि हुकूमत का बुनियादी प्लान ये था कि इतनी रुकावटें खड़ी करो कि लोग इकट्ठे ना हो सके। जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे जहाँ पर इतना प्रेशर बिल्ड होगा, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी होगी, हुकूमत को बैकफुट होना पड़ेगा। तो इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, लोगों को ऐसे इकट्ठा किया जाए कि जहाँ पर मुजामत का सामना हो पहले तो सुस्त रवि का शिकार रहो, आओ ही ना, ऐसा ना हो कि काफिले 2-3 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, वहाँ लड़ाई होती रहे, कारकुनान थक जाएँ, पीटीआई के रहनुमा थक जाएँ। हुकूमत पुलिस तो जाहिर है उनके पास नफरी है, असला है, कानून नाफिज करने वाले इदारे फोर्सेस को तब्दील करते जाएंगे, अगर एक ग्रुप थकता है तो पुलिस तब्दील करके दूसरे ग्रुप को तैनात करेगी। तो पुलिस के पास तो ऑप्शंस हैं, पीटीआई के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, इसी वजह से ये प्लान बनाया गया कि आप सुकून से आएँ, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आज ही आज फैसला करें, ऐसा नहीं है कि आज के आज सब कुछ निस्तो नाबूद करना है, आराम से आएँ, सुकून से आएँ, 24 से 48 घंटे लगाएँ
اسلام آباد پہنچیں اور جہاں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے وہیں بیٹھ جائیں. اب یہ گیم آف نروز ہے. حکومت کتنے دن وفاقی دارالحکومت بند کر سکتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں عمران خان اعصاب کی جنگ میں سب سے مضبوط ہیں, وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ یہ جنگ جیت جائیں گے اور حکومت کو الٹیمیٹلی رستے کھولنا پڑیں گے. اور جس دن رستے کھولنا شروع ہوئے پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کرے گی اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اور یہ سارا پلان بائی ڈیزائن ہے, بائی پلان ہے کہ آرام سکون سے آئیں. حکومت دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تک رستے بند رکھتی ہے کیونکہ پورا نظام بند ہے. تو اسی طریقے سے کنٹینرز میں اربوں روپے کا جو ہے وہ سامان موجود ہے, کتنی دیر تک بزنس مین اپنا نقصان جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. تو اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ گیم کیسے بدلتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.